सैदन आदमी का तस्करा कुरान मजीद में बार बार आया है शूरा बकर के अंदर आयत नंबर पैंतीस बला तकरबा आजी शाहजारता फ़तखू ना मिनिमीन और इसके बाद फिर सैंतीस नंबर आयत में फ़तल का आदमो मर्रबी ही का लिमा फताली के एक दाना खाने की बुनियाद पर अल्लाह के हुक्म पर वो जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए जिसकी हमतें थीं और जलाल ने उन पर रजू बरहत किया अब इस सारे पस मंर को रिफ्ज़ में कैसे बयान किया जाता है कि उनके जन्नत से दुनिया में आने का सबब क्या बना ये तफस के साथ उनकी तफसरों में मौजूद है मसलन तफसर अयाशी के अंदर ये शियों की तफसर है जल्द नंबर एक में सफ़ा नंबर इकतालीस पर है यह हम लोगों के लिहाज से भी दावते फ़िक्र है कि ये हम उन पर कोई बहुतान नहीं बांध रहे बल्कि जो उन्होंने जुल्म किया है उसका पर्दा चाक कर रहे हैं जो हम पे फ़र्ज़ है कि लोगों को इस सिलसिले में आगाह करें ये उन्होंने अपनी तरफ से घड़ घड़ के सारी उसको हदीस करार दे के लिखा होता है तो एक हदीस की सूरत में ये लिखा है कि इन अल्लाह तबारा का वाली आरादा अला आदम फिल मीसाक्रीरी याता हूँ कि अल्लाह अलैहि सलाम पर मीसाक में हजरत आदम की औलाद को पेश किया ये आरादा का मफूल भी है ज़रूरी आता हूँ आपकी औलाद को यानी क्या मत तक जो आनी थी उन अरवाह को फ़मर्रा बन नबील व हुआ मुत्ता के अलैहिस्सलाम व फ़ातिमा अलैहा ततलूमा वल हसन वल हुसैन तलुआन फ़ातिमा ता रदी अल्लाह तो वो जो मंज़र था जो ताला ने सारी ज़रूरीत हजरत आदम पर पेश की उस में ये पंजतन पाक भी हजरत आदम को नज़र आए सूरत सरत्याल ये थी कि फमर्रा बिन नबील वसम व हुआ मुताकि अला के रसूल करम सल्हस गुजरे इस हालत में कि हज़रत अली रदी अल्लाह त हो पर आपने टेक लगाई हुई थी यानी जिस तरह साथ वाले शख़्स के कंधे पर बाजू रख के चला जाता है व फातिमा तो सलवातल ततलू हुमा और सयदा फातिमा रजी अल्लाह तहा इन दो हस्तियों के पीछे पीछे चल रही थी वल हसन हुसैन यतलुआन था और इमाम हसन और इमाम हुसैन रजिय तहुम दोनों सयदा फातिमा रदी अल्लाह तहा के पीछे पीछे चल रहे थे यानी ये सारा इन्होंने मंजर बना के हदीस बनाई हुई है फ़काल या आदम ईया का अन तनजुरा बिहासा दिन तो अल्लाह ने अल्ला सलाम को यह आदम इन हस्तियों की तरफ हसद से मत देखना इन हस्तियों की तरफ हसद से देखने से अपने आप को बचा के रखना ओह बित का बिन जवारी अगर तुमने हसद से इनको देखा तो मैं तुझे यहां जन्नत से निकाल दूंगा अपने पड़ोस से निकाल दूंगा फलम अस का जन्नता जिस वक्त यानी वो ये मरहला भी जन्नत से भी पहले का था उस ड आदम को जन्नत में रखा रब़ुलजल ने महबी सल वम वलिया व फातिमा वल हसन वल हुसैन सलवात आलिम तो उनके सामने जन्नत में रब़़ुलजल ने ये हस्तियाँ कहीं यानी इनकी तिमसाल, इनके रूप सामने दिखाए जन्नत में रब जलाल ने वो पहला वो था यानी एक आलम अरवाह का मंज़र और फिर ये जन्नत के अंदर ये रूप पाँचों पातन पाक रजील् तम के दिखाए सलाम फ़नाजा लिम बसा दिन तो ये लिखते हैं कि आदमी सलाम ने माज़ल्ला हसद से इन देखा अल्लाह के पहले नबी पर पहला बड़ा इल्ज़ाम और ये कि माज नाफ़रमानी अल्लाह की कि अल्लाह ने फरमाया था कि इनसे हसद नहीं करना और उन्होंने फिर इनसे हसद किया सुम आरादत अली हिल था फिर अल्लाह ने लता आदम पर इनकी वलायत को पेश किया यानी पांच अस्सी में से चार की वलायत को पेश किया रहा तो लिखिए ने माजल उस वलायत का इनकार किया यानी नबूवत का इम्तिहान बजरिया वलायत लिया जा रहा है और फिर हज़रत आदम सलाम के खाते में एक इनकार डाला जा रहा है फरमत हु जन्नत बे और आ जन्नत ने इनको फेंक दिया जन्नत से बाहर आ गए यानी एक तरफ तो नस् कुरानी वाला तकरबा हाजी शाहजारा जब सारा मामला उस शाहजारा के लिहाज से है और किसी के बोगज हसद का मामला ही नहीं और किसी की वलायत याद में वलायत का मामला ही नहीं तो इन्होंने यानी इस कदर जहर घोला है अम्बियालाम के खिलाफ अब आज हमारी क्या है हम पे ये इल्जाम लगाते हैं मसलन कि इनको जी अहल बैत से प्यार नहीं ये तो वहाँ बाज नहीं आए यानी नहीं आदम सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्हें अह बैत से नफरत थी माज अल्लाह अहबैत का उन्होंने इनकार किया अह बैत की वलायत का इनकार किया और अहल बैद से हसद किया तो इनसे बच कौन सकता है कि कोई शख्स ये चाहे कि हम पे ये इल्ज़ाम लगाएं ये हमारे कुछ सादा पीरान तरीक़त के लिए बिदावत है कि जो अपने मुरीदों में ये ए, इन रवाफज के से लेना चाहते हैं कि वो मान जाए कि वो पीर साहब बड़े मुहब आह बैत हैं तो ये हजरत आदम सलाम के वफादार नहीं हुए पीर साहब के कैसे हजरत आदम असलातम उनके बारे में इनका इल्जाम है कि उन्हें बुग्स था आहल बैत तंग तो नजर थे बड़े और वलायत अली उन्होंने नहीं मानी और उसका उन्होंने इनकार किया और उसकी बुनियाद पर उनको जन्नत से निकाल दिया गया यानी एक नबी को एक वली की बुनियाद पर उन्हें बतौर सजा माज जन्नत से निकाल दिया गया और ये, ये सब घड़ के इतना इनको शर् सदर हासिल है बात घड़ने में यानी इनके बड़ों को अब आगे फिर नीचे तो ए, उस बदी का जो बदी का फैज़ है वो कितना ज़्यादा होगा कि ऊपर यानी आयात के अंदर कुरान के अंदर ये बाज नहीं आ रहे यानी हदीस की तशरी में या आगे आइम् के अकबाल में वो तो दूर की बात है कुरान में जो नस्से कती है वाला तकरबा हाजी शाजारा उस शाजारा के सारे मामले को साइड पे करके ये कहते असल मसल सारा अहल बैत का था वहां पर कहते आजमलाम जन्नत से निकले अहल बैत या तारदी अल्लाह तन के बोग की वजह से है मज़ल्ला यानि कहाँ ऊपर जाके इन्होंने हमला किया हुआ है और कहां से ये करते आ रहे हैं और मुसलसल आज तक वो हमला जो है वो बाकी है फिर आगे ये लिखा है फ़लम माताबा इला मिन हसाद ही जब अतदम्सम ने अल्लाह से तोबा की हज़रत मौलादी अल्लाह की हसद से फ़लम माताबा मिन हसाद ही व अकर्रा बिल थे और मौला अली की वलायत को मान गए वदाब हकिलमसत महमद वाली वफातिमा वाल हसन वाल हुसैन आसलम फ़रल और जब फिर पैंतन पाक के ज़रिए से उन्होंने दुआ मांगी तो फिर अल्लाह तबारक वाल ने उनको बख्शा वजाल का कउलहू तला फ़तलका आदमी क़लेमात कहते हैं ये है वो आयत की तफसीर फतलक् का आदम उम्र रब्बी ही कलेमात आदमी सलाम अल्लाह ताली से कलिमात पाए हालांकि वह कलेमात रसूल पाक सल सल्म के वसीले से उन्होंने दुआ मांगी और इन्होंने पीछे से जो सारी एक सूरत हाल घड़ी और फिर कितनी इसके अंदर गुस्ताखियाँ हैं मकाम नबूत की और यहाँ ही यानी गैर नबी को नबी से बढ़ाना और ये सारी सूरत हाल इसको वो एक कुरान की आयत करार दे रहे हैं यानी एक तो उस आयत के अंदर वाला तकरबा हाजी शाहजारा उसके लिहाज से और दूसरा जो है फतलक का आदमी कलिमात इसके लिहाज से यानी ये इतनी बड़ी इनकी वारदात है कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जित जो मानते हैं तो इस मकसद के लिए मानते हैं इतना मानते हैं और इस अंदाज में मानते हैं और वैसे उनके नज़दीक माजल्ला सारा बदला हुआ है जिसमें इतनी इतनी मोटी किताबें उन्होंने लिखीं फी तहरीफ़ कलाम रबिला अरबाब इस तरह की जिसमें ये उन्होंने दलाल दिए हुए हैं कि सारा कुरान माजल्ला बदला हुआ है जो लफ्ज़ बचे हुए हैं उन लफ्ज़ों के आगे मानी इन्होंने इतने बदले हुए हैं इनको असल में तो बदला नहीं वो पूरा है ये उसको उद्ध, अधूरा उद्ध, बना के फिर जो आयात है उसके अंदर भी इस तरह का ये धंधा करते हैं अब ये ऐसा नहीं है कि इनका कोई आज किसी मरक़ भंग का कोई धुआँ सदा ज़ाकिर उसने ये बातें की ये उनके मज़हब के इमाम हैं यानी जिनको वो मुतहद मानते हैं जिनको अपने मज़ब का फ़कीर और सतून सब कुछ मानते हैं और सदियों से ये किताबें उनकी छप रही हैं और ये मौजूद है ये है यानी असल इनकी सूरत हाल जिस पर लेबल क्या लगाया हुआ है महब्बत अहल बैत रदी अल्लाह तुम अब ये सारा इन्होंने जो धंधा किया कुरान की ख़िलाफ़ वर्जी की अल्लाह के पैगम्बर आलम पर कई इल्ज़ाम लगाए उनकी तोहन की गैर नबी को नबी से अफजल करार दिया इस सब से साबित क्या करना चाहते हैं कि हम मुहब अहब हैं तो मोहब्बत आल बैत रदी अल्लाह तुम जन्नत की टिकट है लेकिन वो जो शरीयत में है जो हदूद के अंदर है और जो महब्बत आह बैत जिसको ये अपनी तरफ से करार दें जो कुरान से टकराए ईमान से टकराए दीन से टकराए तो हर हरगिज़ वो, वो मोहब्बत आले बैत नहीं है बल्कि वो दीन मतीन पर हमला है और दीन मतीन से बहुत बड़ी बगावत अब ये बात सिर्फ़ एक जगह नहीं इनकी कई किताबों में इनके जो बड़े बड़े सतून हैं मसल में मुला बाकर मजलिसी है इनका जो हयातलकलूब के अंदर जिल्द नंबर एक में उसने इसी चीज़ को बयान किया है सफ़र नंबर पचास है लिखता है कि कहता है कि यानी ये सारा जिक्र करके दरख्त का फल खाने का इसमें ये सूरत इख्तियार करता है कि फल खाने की वजह क्या बनी वो हंसद आल था तो हसद आत की वजह से फिर उस तरफ वो गए और फिर ये आगे मामला सारा चला इसमें ये लिखा है के व मुसलत शुद्ध बर तजर करद बसु फ़ातिमा बदीद हसद कि हज़रत हवा रजी अल्लाह तैाला ने सदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तहा की तरफ हसद की निगाह से देखा यानी इनके मफरूज़े देखो और इनका जहन तहक़ीक कहते हैं ता खुर्द अज आ दरख्त चुनाच आदम खुर्द व खुदा इशारा अस बहस बहरू करद व अज अज़वार खुद ब बज़मी फरिस्तात तो यहाँ भी उनके यानी जन्नत से दुनिया में आने का जो सबब बयान किया वो दाना खाने से भी पहले वो क्या था कि नजर नज़रकर्द बसु फ़ातमा अदीद हसद हसद की निगाह से देखा तो ये सबब बना तो इस तरह यानी इन्होंने क़ुरान मजीद के अल्फाज के अंदर एक तो वैसे इनकार किया फिर इस तरह की तारीफें करके यानी एक गलत अपनी तरफ से घड़ के एक फिक्र जो है बताइए आप जिस वक़्त कोई शख्स ये चीज़ें सुनेगा शुरू से तो वो कैसे नबियों का अदब करेगा उसके नज़दीक गैर नबी को नबी से अफजल करार देने की बात कुफर कैसे होगी वो तो शुरू से ही यही चाटता खाता आएगा कि असल मामला सारा ये है नबियों की तो कोई हैसियत नहीं है माज़ल्ला और इन्हीं की वजह से आजमल आज़म जन्नत से निकले और यही सारा मामला है तो ये यानी एक शुरू से लेकर उन्होंने दीन मतिन पर एक आरी चलाई हुई है आ, और जिसके नतीजे में अभी तक जो है वो बड़े बड़े दरख्त कटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं